राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क पहुंचकर ड्रग्स फ्री दीप भूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देव भूमि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी अभियान में आगे आना है और इसको सफल बनाना है। राज्य में जहां एक ओर लोगों और विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है तो वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में सीएम धामी ने कहा कि मादक पदार्थ की रोकथाम और इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई के लिए राज्य में त्रिस्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे। कड़ी कार्रवाई करनी है इसके अपराधियों पर, हम कड़ा रूप भी अपना रहे हैं। इसके लिए जिलों में, तहसीलों में, नीचे के स्तर पर पुलिस विभाग, अन्य विभाग, सारे विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी ऐसे मामलों में हम